ये इस साइड पूरे ये आम के बगीचे हैं और ये है रानी पोखरी का मिनी खेल मैदान। जोली ग्रांट एयरपोर्ट यानी यहाँ से लेफ्ट को जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है संजय सोलंकी और अभी मैं आज अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ जोली ग्रांट एयरपोर्ट से, जो कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि के देहरादून में स्थित है। तो अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो अभी सुबह सुबह का नज़ारा है। सुबह की अभी लगभग 8:30 यानी 8:30 हो रहे हैं, तो आइए वीडियो में बने रहें। जिस पॉइंट पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से जोली ग्रांट एयरपोर्ट यानी यहाँ से लेफ्ट को जाते हैं, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है। और यहीं से यानी जोली ग्रांट एयरपोर्ट से मैं आपको कुछ दूरियाँ दिखा देता हूँ। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश की दूरी है 16 किलोमीटर, केदारनाथ की 243 किलोमीटर 243, बद्रीनाथ 311 और हेमकुंड साहिब की जो दूरी है यहाँ से लगभग 329 किलोमीटर 329। तो दोस्तों, अभी मैं जिस रोड से निकल रहा हूँ, ये रोड है अपनी ऋषिकेश मेन हाईवे रोड, और चार धाम की जो मेन हाईवे रोड है वो यही रोड है। यहीं से हमें गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आराम से हम इस वाले रोड से होके जा सकते हैं। और जो हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए है वो एक और रूट होता है, यानी यमुनोत्री के लिए हमारा मसूरी वाला रूट होता है और वहीं से हम कनेक्ट कर सकते हैं गंगोत्री रूट को। लेकिन जो मेन रूट है वो ये वाला है हमारी चारधाम यात्रा का। बात की जाए आज की मौसम की, तो आज अभी जो है यहाँ पे हल्की हल्की बूंदें हो रही है और कल रात से लगातार बारिश तो हो ही रही है। अभी बारिश रुकी हुई है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है बस। और जो मौसम है अपना आसमानी पूरा बादलों से भी ढका हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और बारिश के बाद जो खूबसूरत यहाँ का नज़ारा होता है, हरे भरे पेड़ों के बीच में जो प्यारी सी हवा आती है, वो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे नज़ारा है। और यहीं से थोड़ा सा आगे से लेफ्ट को एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से एयरपोर्ट के लिए ये देख सकते हैं आप, दूरी यहाँ पे लिखी है 1 किलोमीटर 300 मीटर यहाँ से है अंदर के लिए। और अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, ये अपना मेन एयरपोर्ट रोड। ये वाली जो रोड है ये है मेन एयरपोर्ट रोड, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी जो है यहाँ पे वाइब आती है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहीं से आप मसूरी के लिए भी जा सकते हैं और मेन देहरादून के लिए भी जा सकते हैं इसी वाली रोड से। काफ़ी अच्छी रोड है, हरे भरे पेड़ों के बीच में, और बीच में ये फूल टाइप के, मतलब ये अलग से प्लांट लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर है एयरपोर्ट, और इसी से थोड़ा सा आगे है यहाँ पे SDRF बटालियन का सेंटर। और एयरपोर्ट की मेन गेट पे कुछ इस प्रकार के, अभी कुछ समय पहले यहाँ पे मिट्टी डलवा के कुछ इस प्रकार के प्लांट लगवाए गए हैं, जो कि बहुत प्यारे और सुंदर लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जा रहा हूँ ऋषिकेश रोड की साइड, यानी ठीक सामने है ऋषिकेश, सामने ये जो पहाड़ी दिख रही है जहाँ पे कोहरा लगा हुआ है, यहाँ पे है ऋषिकेश, तो उसके ठीक नीचे। तो मुझे जाना है उसी साइड। अभी मैं जोली ग्रांट मेन एयरपोर्ट रोड से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और यहाँ का नाम है रानी पोखरी। तो यहाँ के आसपास के खूबसूरत नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है रानी पोखरी क्षेत्र, और यहाँ से जो न्यू टिहरी की जो दूरी है, देख सकते हैं आप सामने 98 किलोमीटर। नए नगर जो हमारी टिहरी गढ़वाल यानी चंबा के लिए एक रोड करती है, वहाँ यहाँ से वहाँ के लिए जो है दूरी
34 किलोमीटर है और देवप्रयाग जहाँ पे हमारी भागीरथी और अलकनंदा माँ का संगम होता है 88 किलोमीटर है। देवप्रयाग वाली जो रोड है वही हमारी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए जाने के लिए मेन मुख्य मार्ग है। तो वहाँ की दूरी यहाँ से लगभग जो मैंने आपको बताई 88 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ रानी पोखरी में और यहाँ पे रानी पोखरी नाम क्यों पड़ा, जो कि हमारे मेन ऋषिकेश हाईवे रोड पे है। तो इसकी जो स्टोरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि सामने सुंदर चित्रकला हो रखी है यहाँ पे। और ये है रानी पोखरी का मिनी खेल मैदान यानी खेल स्टेडियम और यहाँ पे प्यारी सी सुंदर सुंदर चित्रकला हो रखी है। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ रानी पोखरी नाम क्यों पड़ा यहाँ पे, इस गांव का नाम रानी पोखरी क्यों पड़ा, क्योंकि इस स्थान पर वर्षों पूर्व रानी के द्वारा तालाब यानी पोखर का निर्माण कराया गया था। और क्योंकि हरिद्वार से तीन पानी होते हुए भट्टनगरी खंड से ऋषिकेश जाते थे, तो जब जाते थे लोग तो उनके लिए जो है रानी के द्वारा यहाँ पे तालाब का निर्माण कराया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सुंदर सुंदर पहले की यादें भी है जो चित्रकला द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। जैसे यहाँ पे पहले किसान खेती बैलों के द्वारा किया करते थे और परिवहन का साधन बैलगाड़ी था, जो कि हमारा अब गाड़ियाँ वगैरह है। और जो है खेती के लिए अभी ट्रैक्टर वगैरह भी चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजों के समय की नहर जो रानी पोखरी न्याय पंचायत की जीवन दायिनी है। यहाँ पे वर्षों पूर्व गोधन बेशक के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे एक और चित्रकला है गांव में, जो हमारे पहाड़ी गांव में होती है, शादी समारोह में पारंपरिक पेय पल्लर छोंकते हुए यानी मटकों पे जो है मट्ठा को छोंका जाता था। तो सुंदर चित्रकला बनाई गई है यहाँ पे। इस तरफ मैदान के इस वाली तरफ जो है गढ़वाली संस्कृति की सुंदर फोटो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पारंपरिक नृत्य के साथ महिलाएं यहाँ पे बनाई गई है। और इस तरफ जो है हमारे जो पारंपरिक जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें बजाते हुए सामने यहाँ पे लोग बनाए गए हैं। और यहाँ पे एक सुंदर एक हमें जो है संदेश दिया गया है, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। तो इस प्रकार का अपना ये स्टेडियम है यानी अपना रानी पोखरी का मिनी स्टेडियम। ये आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार का है, अभी गेट बंद है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स अभी मैं जोली ग्रांट मेन हाईवे रोड से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे जो है अपने रानी पोखरी के जो क्षेत्र है उसका जो है अंतिम बॉर्डर आता है। और यहाँ से मैं आपको सामने का जो खूबसूरत नज़ारा है वो आपको दिखाता हूँ। तो अपनी मेन हाईवे रोड ये है और यहाँ से देखिए यहाँ पे प्यारी सी धान की खेती हो रखी है, ये वाले खेत जो आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के यहाँ पे सारे खेत हैं, बिल्कुल प्लेन में प्यारे से खेत हैं हरे भरे। और इस तरफ देखिए इस तरफ है अपना थानो क्षेत्र और यहाँ से जो बीच में जो एरिया पड़ता है उसका नाम है भावपुर। और इस तरफ है ठीक सामने अपना यहाँ पे जो एक कोहरा लगा हुआ है यहाँ पे है नरेंद्र नगर, जो कि हमारे परमार वंश के राजा नैन शाह उनकी जो है नगरी थी। और प्राचीन समय में ठीक नए नगर के ठीक नीचे इस वाली तरफ इधर की साइड है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश तो मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक जजमेंट बता रहा हूँ।